Hello, my name is Narendra Vinarkar. Okay. My wife Neha Vinarkar and my daughter Aditi Vinarkar. Okay. और फर्स्ट टाइम हमने सेमिनार जब अटेंड किया था मिड ब्रेन का, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन हम लेके आए थे. ओके. काफ़ी गलत थे, मैं भी उसके बारे में सुना था कि बच्चे आँख बंद करके ये करते वो करते. पहले विश्वास नहीं हुआ था हमें. ओके. ये सब चीज़ें होती है, बुक्स में पढ़ा था, इंटरनेट पे ये सब देखा था. फिर हमारा बच्चा भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बारे में थोड़ा सा डाउट ही था. इसीलिए हमने वो सेमिनार देखा और दूसरे बच्चों को जो अपने ही एरिया से थे उनको जब करते हुए देखा, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट फिर हुआ कि हाँ, हमारा बच्चा भी कर सकता है. और हमें विश्वास हुआ इस ESP प्रोग्राम पे. सो हमने अपने बच्चे का भी नाम उसमें रजिस्टर करवाया. और फर्स्ट डे वो अटेंड करने के बाद सेमिनार, उसने जो क्लासेस अटेंड करने के बाद, मैंने तुरंत ही शाम को उसका एक टेस्ट लिया. और आपको पहले दिन पे आपको टेस्ट वैसे भी लेना नहीं था? हाँ, नहीं लेना था, सर ने बोला था, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट कि हाँ, हमारा बच्चा भी कर सकता है, ये देखने के लिए जो एक्साइटमेंट था वो शाम को ही हमने उसकी तैयारी कर ली. और इट वॉज अमेजिंग कि उसमें जो चीज़ें जो दूसरे बच्चे कर रहे थे, तो वो सभी हमने देखी. और मैंने सब टेस्ट करवाए, जो जो एक्चुअली जो स्टेज पे होता था उससे कई ज्यादा टेस्ट मैंने उससे घर में करवाई. घर के बेडरूम की जितनी सारी चीजें थी, जैसे पाउडर का डब्बा या फिर पेन या फिर जितनी सारी घर में जो जो चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी, वो सब मैंने लेके उसके ट्राई किया. तो उसने वो पहचाने, उसके कलर पहचाने. मतलब कैसे पहचाना, देख के? नहीं, ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद. ओके. ऐसे कहीं एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने गलत बोला. ओके. तो एवरी टाइम वो फर्स्ट डे नहीं, काफी उसने कवर किया था. ओके. तो इट वाज अमेजिंग. क्या क्या फर्क आपके बच्चे में आपको महसूस होता है? ये प्रोग्राम करके अभी कितना, 2 महीना हो गया? हाँ, राइट. ओके, 2 महीना हो गया. तो क्या आपको फर्क नजर आ रहा है आपके बच्चे में? अभी ये बच्चे में ये फर्क है कि वो काफी स्पोर्टी है. ओके. और उसे काफी चीजें करने में एंजॉयमेंट फील होता है. ओके. एक कॉन्फिडेंस लेवल बना है उसका. कॉन्फिडेंस बना है. काफी चीजें वो पूछती हैं, क्वेश्चंस करती हैं. पहले नहीं सवाल करती थी? सवाल करती थी, पर उतने नहीं करती थी. ओके. तो कहीं ना कहीं उस पे माइंड पे काफी असर पड़ा है. उसे चीजें समझ नहीं होती है. ओके. ये क्या है, वो क्या है. और कई सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार हम उसके जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि इतना क्विक वो पूछ लेती है. Okay. उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है कि उसका आंसर कहाँ पे है. तो ये अच्छा है कि खराब है? सच में ये अच्छा ही है कि जो बच्चा मैंने जो ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है उसमें ज्यादा नॉलेज पोटेंशियल होती है, सीखने की बहुत इच्छा होती है उसकी. चलिए हम मम्मी जी से पूछते हैं, आप बताइए क्या मैडम, आपको क्या आपके बच्चे में फर्क नजर आ रहा है? वही, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है. कॉन्फिडेंस बढ़ गया. और अभी बहुत सारी चीजें करती रहती है, कलरिंग करती रहती है, कंटिन्यू उसका कुछ ना कुछ चल ही रहता है एक्टिविटी. ओके. लेकिन थोड़ा सा भी ना पढ़ाई के लिए बहुत आलसी गिरी करती है. ओके. और कुछ नहीं. ओके. और कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? मैं सभी पेरेंट्स को सलाह दूंगा. ओके. वो जरूर अपने बच्चों को, यानी उनका जो छिपा हुआ जो टैलेंट है उसे बाहर आने दें. ठीक है. आगे जाके कहीं ना कहीं उनको उसका जरूर फायदा होगा. तो आप जरूर अभी आप लोगों ने एडवांस वाले परफॉर्मेंस देखे नहीं ना बच्चों के? ठीक है, थोड़ी देर के बाद में वो भी आप देखेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.